हेलो स्टूडेंट्स, आईटी अपडेट सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है आपके सेक्शन 43 कैपिटल बी में। याद होगा जब हमने सेक्शन 36 पढ़ा, यहाँ आपने पढ़ा होगा तो सेक्शन 36 में बार बार देखा था सब्जेक्ट टू सेक्शन 43 बी, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43 बी। एंड व्हेन वी सॉ आ सेक्शन 43 बी, देन वी केम टू नो दैट इट वॉज ऑल अबाउट द कैश पेमेंट। मीन्स द डिडक्शन विल बी अलाउड व्हेन यू विल मेक द पेमेंट एक्चुअली ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर। इज इट क्लियर? हाँ सर। यानी कैश पेमेंट बेसिस पर, यानी कैश सिस्टम पर आपको वो डिडक्शंस अलाउड होती थी। देयर आर सम लिस्ट, जैसे कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट करना है तो आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपने उसका प्रीवियस ईयर में पेमेंट कर दिया हो, अगर आपने शेड्यूल्ड बैंक से लिया है तो। इसी तरह से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसी तरह से स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तो एक लिस्ट बनी हुई है कि इन चीजों का पेमेंट अगर आप ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर कर देते हैं देन यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन। लेकिन वहां पर यह बोला गया, मैं एग्जिस्टिंग प्रोविजन बताता हूं, कि अगर आप वो पेमेंट ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर, जैसे सेल्स टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो भी, तो सेल टैक्स की जगह आप जीएसटी अब लिख देंगे। तो कहने का मतलब ये कि अब हुआ क्या कि जरूरी है क्या, अगर मैं कहता हूं 31 मार्च तक मुझे पेमेंट कर देना है तो मुझे डिडक्शन मिलेगी, लेकिन अगर मैंने 31 मार्च के बाद पेमेंट किया, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए तो अलग ड्यू डेट्स होती है, उसका इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं और इनकम टैक्स उसमें टांग नहीं अड़ाएगा। अब जो पर्टिकुलर एक्ट है, जो जीएसटी एक्ट है, वो कहता है आप पेमेंट करो मार्च का अप्रैल में, वो कहता है मई में पेमेंट करो, लेकिन इनकम टैक्स कहता है नहीं मार्च तक पेमेंट करो। तो उस हार्शमेंट को दूर करने के लिए, उस क्लैश को दूर करने के लिए कहा गया कि ठीक है, इनकम टैक्स दूसरे एक्ट्स को बीच में नहीं लाएगा। वो ये कहता है इफ यू जस्ट वांट टू गेट द डिडक्शन ऑफ दीज थिंग्स एंड यू आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ देम ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर, नाउ इट विल बी डीम्ड दैट यू हैव मेड द सेम ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर इफ द पेमेंट मेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। कितने ऑफ टू लग गए। कहने का मतलब ये कि अगर आप इन खर्चों को रिटर्न ऑफ इनकम भरने की डेट के पहले भी अगर आप पेमेंट कर देते हो तो मान लिया जाएगा आपने भले जून में पेमेंट किया, आपने भले जुलाई में पेमेंट किया, आपने भले ही अप्रैल में पेमेंट किया, आपकी 31 जुलाई है रिटर्न की डेट, और आपने जुलाई के पहले अगर पेमेंट कर दिया जो कि मार्च का ड्यू था, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने मार्च में ही पेमेंट किया, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए सर, आपने तो रिवीजन करवा दिया और हमें याद भी आ गया कि ऐसा कुछ था। सेक्शन 43 बी में एक अमेंडमेंट आया है, वो ये आया है कि जब हमने बोला कि इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम शेड्यूल बैंक मस्ट बी पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और इफ इट इज पेड ऑन और बिफोर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम देन इट विल बी डीम्ड दैट दिस हैज बीन पेड ऑन और बाय द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये बोला गया, ये समझा गया, लेकिन अब इसमें कुछ चीजें और ऐड कर दी गई। सर क्या ऐड किया गया? शेड्यूल्ड बैंक का इंटरेस्ट ऑन लोन दैट वाज ओके, लेकिन अब इसमें एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक को भी शामिल किया गया। एग्रीकल्चरल क्रेडिट बैंक जो होते हैं, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल क्रेडिट बैंक, उनको भी शामिल किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी नहीं, मैं सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हो एग्रीकल्चर की तो उसको भी ले आओ, ना, मैंने कोऑपरेटिव बैंक बोला है, एग्रीकल्चरल बैंक बोला है, उनको शामिल किया गया। अच्छा, इसी तरह प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, यहां पर भी बैंक है, उसको भी शामिल किया गया। यानी कि शेड्यूल्ड बैंक में कोऑपरेटिव बैंक्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, उसको भी शामिल किया गया, लेकिन कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को शामिल नहीं किया गया। तो आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक में इन दो बैंकों को भी ऐड किया गया है। अगर इनका भी आप पेमेंट इंटरेस्ट का ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम का पेमेंट कर देते हैं इंटरेस्ट का, तो भी मान लिया जाएगा कि आपने सेम प्रीवियस ईयर में पेमेंट किया। थैंक यू। Thanks a lot.